नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भातला भी देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में अभी आमने सामने होने का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र के पहले दिन से ही ये बात देखी जा रही है कि जो अलग अलग दल के नेता हैं, अलग अलग दल के विधायक हैं, वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूं तो राजनीति में भिड़ना राजनीति के लिए सार्थक और सफल माना जाता है, लेकिन अगर बात करें जब शाब्दिक मर्यादाएं तार तार हो जाए तो फिर क्या कहने। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में जो सदन चल रहा है, जो सत्र चल रहा है, इस दौरान बीजेपी के विधायक संजय सरावगी जी से भिड़ गए थे। राजद के जो विधायक हैं भाई वीरेंद्र भी भिड़ गए थे। इसके बाद वहां जो है जम करके गाली गलौज हुआ था, अपशब्द का प्रयोग हुआ था, जिसके बाद आपको बता दें उसके अगले दिन जो राजद के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, वे भी मनाने के लिए आए थे, संजय सरावगी को मनाने के लिए आए थे, माफी मांगने के लिए आए थे, लेकिन संजय सरावगी जी ने ये कहते हुए मना कर दिया था हाथ मिलाने से, गला मिलाने से भी जो है गला मिलने से मना कर दिया था और कहा था कि ये सार्वजनिक जगह पर हमारे मर्यादा के साथ खेली गई है, ये मानहानि का मामला है। इसके बाद आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप करने के लिए जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनसे कहा गया था, लेकिन अब आपको बता दें कि आज जो है बिहार विधानसभा अध्यक्ष के सामने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अपने विधायक, अगर बात करें तो भाई वीरेंद्र के साथ मौजूद थे, साथ ही साथ जो बीजेपी कोटे से विधायक हैं संजय सरावगी जी, उनके साथ जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ बीजेपी के कदावर नेता हैं तारकिशोर प्रसाद, वे मौजूद थे। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और तारकिशोर प्रसाद सिंह जी जो हैं, जो आज आमने सामने थे, आपको बता दें कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके कमरे में, और दोनों लोगों ने मिल करके आपसी सहमति से संजय सरावगी जी और भाई वीरेंद्र के बीच में जो है मैनेज करवा दिया। इसके बाद जो है गले भी मिले। आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। देखिए, आज दलीय नेताओं की और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में हम सभी लोगों ने निर्णय लिया कि बिहार विधानसभा के अंदर हमारे सभी माननीय विधायक, प्रतिपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के हों, सब मिलकर पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ सदन में भागीदारी कर रहे हैं, जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं, और ये बिहार के लिए एक अच्छी लोकतंत्र को मजबूत करने वाला संदेश देश को जा रहा है। लेकिन कुछ हल्की फल्की घटनाएं कहीं न कहीं हमें और हमारे लोकतंत्र को शर्मिंदगी पहुंचाती है। ये घटना नहीं घटित हो, हमने अपने दलीय नेताओं से आग्रह किया है कि सभी दलीय नेता अपने माननीय विधायकों को मर्यादित, संयमित और लोकतंत्र के प्रति, सदन के प्रति पूरी तरह से जिम्मेवार और अपने कर्तव्यनिष्ठ बनने का, बनाने का ये कार्य करें। और हमारे वरीय लोगों के बीच में संवादहीनता के कारण किसी तरह की कटुता उत्पन्न होती है, तो इन लोगों की हमने आग्रह किया कि सभी दलीय नेता की जिम्मेवारी है कि इसका समाधान करें, क्योंकि ये जनतंत्र की, गणतंत्र की धरती रही है और बिहार से कई संदेश जाता है। आज हम लोगों ने बैठे हैं और इस मामला का जो घटना घटित हो गया, इस संवादहीनता में, गलतफहमी में, कन्फ्यूजन में सब लोगों ने आग्रह किया है इसको खत्म करें और इस तरह की बात दोबारा नहीं हो ये सुनिश्चित करें, ये माहौल नकारात्मक नहीं बने। और खास करके जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने आने वाले नए पीढ़ी को एक अच्छा संदेश दें, वो हम पर गर्व महसूस करे, बिहार की जनता और बिहार पर कोई शर्म महसूस नहीं करे, इसके लिए एक नया पहल शुरू हो। और इसीलिए आज हमारे दोनों दलीय नेता बैठे हैं, दोनों दल के विधायक, वरीय विधायक बैठे हैं, इनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस सदन में रहता है, लेकिन बड़ा दुखद घटना थी, उस घटना का समापन हम लोग आग्रह कर करके इन लोगों ने खुद अच्छी पहल की, एक सकारात्मक पहल की। दोनों में दोस्ती हो गई सर? निश्चित दोस्ती ही नहीं, जिम्मेवारी भी दी गई है, दोनों दलीय नेता ने जिम्मेवारी दी है और दोनों बेहतर ढंग से सदन चलाने में अच्छी भूमिका निभावें, और खास करके जो मर्यादा तोड़ते हैं उनको इससे सबक लेने की जरूरत है और आगे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो, ये हम लोगों को ध्यान रखना है।
हुआ ही नहीं, गलतफहमी में किसी तरह की कोई बातें हो गई है, अगर इनको लगता है कि हमसे कोई हुई है तो हम इसको वापस लेते हैं। और दूसरी बात है कि हम कभी लड़ाई करने वाले लोग नहीं हैं, हम हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। कल आप लोगों ने प्रयास किया था, मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। आज संयोग है कि आज अध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री और नेता विरोधी दल माननीय तेजस्वी यादव जी के सामने ये सब बातें हो रही है। हम लोग दो नहीं है, एक है, और सदन के सदस्य हैं। हम चाहते हैं सदन की गरिमा हमेशा बनी रहे। तेजस्वी जी थोड़ा सा और, सर थोड़ा सा और, थोड़ा सा एक फ्रेम में, हाँ थोड़ा सा और, सर पीछे चले जाएगा तो खुद आ किसका तार है नीचे का ना, दो वो हाथ से हाथ हाथ मिला लीजिए, हो गया फोटो दीजिए ना, हाथ मिलाइए, आप हाथ मिलाइए ना दीजिए। हमारा तो काम है कि नेता लोग मिले, सुनना कह रहे भार आपके हाथ। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।